हेलो दोस्त, रेलवे एलपी टेक्नीशियन परीक्षा 1/18 में बधाई और शुभकामनाएं, जिसमें एलपी प्रोविजनल पैनल 6 के रूप में आपका जोन 1 ईआर ईस्टर्न रेलवे और जोन 2 साउथ ईस्टर्न रेलवे दोनों का आ चुका है। इसमें 358 कैंडिडेट का नाम है, तो पैनल 1 से लेके पैनल 6 तक का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि एलपी की कितनी पैनल अभी भी आ सकती है या कितनी सीटें खाली है। साथ में ये भी देखेंगे कि यहाँ पे क्या टेक्नीशियन की भी पैनल आई है, तो हाँ 128 कैंडिडेट का टेक्नीशियन का भी पैनल आया है, तो कह दे ओवरऑल ये पैनल नंबर 7 है। तो पूरी डिटेल देखने से पहले वेबसाइट पे चलेंगे। वेबसाइट कौन सा है, तो कोलकाता का ही है और कोलकाता में आपको पैनल के बाद पैनल आया है। यहाँ पे डेट 24 शो हो रहा है, हालांकि ये 25 के डेट में यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। अब से कुछ देर पहले रिजल्ट आया था, तो इसको आपको देखेंगे तो पब्लिशन ऑफ प्रोविजनल पार्ट पैनल फॉर एलपी, तो इसको ओपन करते ही आपके पास एक पैनल का लिस्ट खुल जाएगा जिसमें एक एक करके डिटेल एलपी का है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल और जोन वाई। तो पहला जोन बात करते हैं कौन सा है, तो पहला जोन है आपका ईस्टर्न रेलवे और कैटेगरी नंबर 1 असिस्टेंट लोको पायलट इलेक्ट्रिकल, जिसमें आपको यहाँ देखिएगा सीरियल नंबर, रोल नंबर, नेम ऑफ कैंडिडेट, कम्युनिटी रिमार्क और प्लस में अलॉटेड कम्युनिटी, किस पोस्ट के लिए क्वालिफाई किए हैं और कौन सा कम्युनिटी हैं आप, दोनों दिया हुआ है। तो इसको डिटेल में आप देखेंगे तो एक एक करके नीचे की तरफ सारी डिटेल दिखती जाएगी। कुछ लोगों में रिमार्क लिखा हुआ है, देखिए रिमार्क क्या है, सब्जेक्टेड टू प्रोडक्शन ऑफ अफिडेविट रिगार्डिंग मदर नेम एंड वेरिफिकेशन दी बिफोर सेम बिफोर अपॉइंटमेंट, ज्वाइनिंग से पहले आपको दिखाना पड़ेगा यानी इनके मदर नेम में कोई ना कोई प्रॉब्लम हुई है जिसके कारण से। तो ऐसे ही रिमार्क कई सारे में हमने देखा इसमें पर लिखा हुआ है, और सबसे ज़्यादा वही है आपका डिग्री सर्टिफिकेट बिफोर आपका अपॉइंटमेंट से पहले आपको दिखाना पड़ेगा, तभी इस कैंडिडेट का नाम आगे की तरफ अपॉइंटमेंट होगी, ज्वाइनिंग होगी। तो ये सारा किन्हीं किन्हीं के पास नहीं है, फिर भी पैनल में नाम मिला है, तो ऐसे कर करके देखिएगा। किसी का रेलवे इम्प्लाई है तो वो भी लिखा हुआ है, यानी ये पहले से रेलवे इम्प्लाई थे और आगे प्रमोट होकर एलपी में पैनल में आ गए, यानी हो सकते हैं ग्रुप डी भी हो या टेक्नीशियन को भी अलाउ कर देते हैं जब शुरू की ज्वाइनिंग होती है उस समय। उसी तरह से बहुत सारा डिटेल है, और देखिए सब्जेक्टेड टू आईटीआई के है, ये कैंडिडेट आईटीआई का है जिनको बोला गया है कि आपको प्रोडक्शन आईटीआई सर्टिफिकेट करना है तभी आपकी आगे के प्रोसेस होगी। और इस तरह से देखेंगे तो बहुत सारा डिटेल करते करते ओबीसी के बारे में भी है। यहाँ आपका साउथ ईस्टर्न रेलवे में टोटल पैनल में नाम कितने लोगों का है, तो नाम आपको दिखेगा 136, तो 136 में देखेंगे तो 136 यहाँ पर समाप्त होता है, यहाँ 136। तो उसके बाद अगले में आएंगे, तो अगले में नीचे की तरफ देखेंगे तो आपका इलेक्ट्रिकल ही है, एलपी इलेक्ट्रिकल ही है, कैटेगरी 1 है, लेकिन यहाँ पे रेलवे बदल गया है, साउथ ईस्टर्न रेलवे जो आपका रांची वाला साइड से जुड़ता हुआ बंगाल की ही वैकेंसी है जो आरआरबी कोलकाता लेती है उसमें है। इसमें भी देखिएगा तो उसी तरह से है, आपका दिया हुआ है ऑर्डर ऑफ मेरिट, सीरियल नंबर इन दी ऑर्डर ऑफ मेरिट में है, मेरिट के हिसाब से दिया हुआ है यहाँ पे। हालांकि मेरिट इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि सबकी एक ज्वाइंट होगी तब आएगी, क्योंकि ये पैनल 6 है। तो यहाँ पे आप देखिएगा तो टोटल यहाँ पे 180 कैंडिडेट हैं, यानी कैंडिडेटों की संख्या यहाँ बढ़ गई है, यहाँ देखते जाएंगे 180। उसके बाद आपका एक और बच्चा हुआ है जो कोलकाता का ही है, ईस्टर्न रेलवे का कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिकल नहीं मैकेनिकल एलपी का है। इसमें लिस्ट थोड़ा छोटा है और टोटल 42 कैंडिडेटों का यहाँ पे नाम है, तो टोटल ये तीनों को जोड़ दीजिएगा तो यहाँ पे आता है ईआर का 136, आपका एसईआर का अगर देखें तो 180, और प्लस फिर से ईआर कैटेगरी नंबर 2, यहाँ पे कैटेगरी नंबर 1 मैकेनिकल का यहाँ पे 42 कैंडिडेट है, और ये तीनों जोड़ेंगे तो 358 लोगों का नाम था। लेकिन इसके साथ साथ कुछ लोग डाटा में जो एनालिसिस में विश्वास रखते हैं उनके लिए पूरी डिटेल बता दूं कि कोलकाता का क्या है, तो पैनल 1 से शुरुआत करेंगे। पैनल 1 आप जानते ही है, सबसे पहला शुरुआत था 128 का, पैनल 2 अगर देखना चाहेंगे तो 142 का, पैनल 3 देखना चाहेंगे तो 131 का, पैनल 4 देखना चाहेंगे तो 143 का, पैनल 5 देखना चाहेंगे
पैनल 5 में अगर देखना चाहेंगे तो 150 का, और पैनल 6 जो अभी आज आया है इसमें 358 लोगों का। ये सारा अगर हम एडिट कर दे, ऐड कर दे, जोड़ दें तो ये होता है 1042। लेकिन एलपी और मैकेनिकल दोनों, एलपी इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों की कोलकाता में बात करेंगे तो ये वैकेंसी है 1409। 1409 में 1000 आप घटा देंगे, 1042 घटा देंगे तो आपके पास एक फिगर दिखेगा, वो फिगर दिखेगा 367 का, यानी 367 वैकेंसी अभी भी खाली है। इसके अलावा एक टेक्नीशियन की पैनल आई है उसमें 128 लोगों का, सिग्नल रिलेटेड लोगों का नाम है, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन का है। तो ये था आरआरबी कोलकाता का पूरा डिटेल, जिसमें कह दें तो अभी तक कितने लोगों का पैनल दे दिया, तो यहाँ पे आपको एक लाइन में कह देंगे आपके कि 1092 एलपी में 1409 पोस्ट के लिए और प्लस में 128 कैंडिडेट आपके दे दिए हैं आपका सिग्नल एंड टेलीकॉम टेक्नीशियन का, तो टोटल कह देंगे 1100 प्लस, यानी 1200 के समथिंग में पूरा पैनल उससे लगभग में 1200 प्लस कर गया है। तो ये था पूरा एनालिसिस आपका आरआरबी कोलकाता। थैंक यू, धन्यवाद।